गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नया दिन। आज डेट है 5th अप्रैल और बाकी सुबह के लगभग 8 बज गए हैं। और मैंने देखा है कि एक हमारे व्यूअर और बाकी को काफ़ी मतलब नोटिस कर रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट। और बाकी मौसम काफ़ी सही हो रहा है। ये बंदा 5 बजे उठ के नहा लेता है। नहीं, पूजा कर ली आपने आज? 6 बजे। अच्छा, 6 बजे उठते हो? ये बंदा तो सोता ही नहीं, हटना तेरा। ये बंदा उठता ही नहीं। अच्छा, उठता ही नहीं है, पहले सो तो जाए। ये बंदा बहुत डेडिकेटेड है, शाउट आउट। बाकी बारिश का मौसम हो रहा है, सही है काफ़ी। और दिखाते हैं आज आपको दिन में क्या क्या है। हमारी 8:30 से लैब है, तो ये है 10 डे कॉलेज व्लॉगिंग का डे 5th। लेट्स गो। गाइस, हम तो जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। चलो फिर। बाकी आज धूप तो निकली नहीं हुई, बारिश का ऐसा मौसम भी नहीं हो रहा, लेकिन ओ जैसी धूप का बोला हल्के से बादल हट गए। बताओ, कर लो बात। कोई नहीं, ये बिल्डिंग तो काफ़ी हद तक बन गई है और ये चीज़ें भी सही हो जाएंगी आने वाले दिनों में कुछ कुछ। बाकी आज पराठा बना हुआ है ब्रेकफास्ट में, पता है आपको? आप लोगों को तो कुछ नहीं बोला? क्या बोलने हैं? सही है गाइस, ब्रेकफास्ट का अपडेट तो कुछ ऐसा है। ये देखो, ये केले ले लिए हमने, ये एग भुर्जी है और ये आलू प्याज के पराठे हैं, बटर है, कॉफ़ी है और इनका भी सेम ही खाना है। इन्होंने बटर नहीं लिया, बाय मिस्टेक भूल गए होंगे। बाकी अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, हमारी लैब है 8:30 से, फिर आपको बताएंगे जैसे भी होगा अकॉर्डिंगली। ओके गाइस, ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया था अभी, और बाकी नहीं, हमारा ए ब्लॉक है, यहाँ पर हमारी लैब है, ये देख लो सामने ये वाली। बाकी कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी विदेश वाली फीलिंग आती है। आज लॉ वालों का कुछ है तो ये उनका यूनिफॉर्म का कुछ पार्ट लगा हुआ है। बाकी देख लो ऐसे ऊपर से। चलो क्लास वगैरह चले जाते हैं, लेट हो रहे हैं, फिर बताएंगे आपको जैसे भी जो भी सीन होगा। प्रतीक, आपको कुछ बोलना तो नहीं है ना? ये गाइस, ये बंदा था हमारा रूममेट, वो एक्चुअली ये लेट आया। ब्रेकफास्ट करके आए हो? नहीं करके आए? अरे झूठ मत बोल। बाकी देखो, कंप्यूटर लैब दिखती है हमारी कुछ ऐसी, देख लेना। यहाँ पर हमें लेकिन अपने लैपटॉप लाने पड़ते हैं कभी कभार। ऐसा क्यों? कुछ कुछ चीज़ें इसमें नहीं। काफ़ी दिमाग है आप में तो। देखो पीछे भी एक लैब है, देख लो। सर को हेलो करवा दूँ? सर हेलो बोले जल्दी। कोडिंग चालू कर दी आपने? नहीं यार, सेम ही उस साइड भी। मैं ब्लॉग कंटिन्यू करता हूं। नहीं, छोड़ो, आप काम करो अपना। ओ बच्चे आ रहे हैं, बंद करो। गाइस, क्लास तो हमारी मतलब पहली लैब तो हमारी ख़त्म हो गई, जो मैंने आपको कंप्यूटर लैब दिखाई थी, हमारा ट्यूटोरियल है एक्चुअली, तो उसमें जाएंगे भी, आपको दिखाते हैं जैसे भी जो भी होगा। बाकी क्लास खत्म होने के बाद आपको अपडेट देता हूँ जैसे भी जो भी सीन है, तब तक के लिए ओके। गाइस, हमारी क्लास तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो हम तो रूम में जा रहे हैं। बाकी मैं आपको एक जगह दिखा देता हूँ कॉलेज की, रुक जाओ। ये कोरियर आते हैं यहाँ पे कॉलेज के, ये एन ब्लॉक है ना, उसी के नीचे है। आपको कुछ बोलना तो नहीं है? कोरियर आ गया आपका? नहीं, तो चलो फिर। सामान अभी आया नहीं है तो कहाँ से ले लूँ? चलो रहने दो, रुक जा भाई, अब रुक जा, रुक जा। गाइस देखो, यहाँ पे सामान आता है, यहाँ पे आपको खुलवाना पड़ता है एक बार सामान, वो चेक करते हैं कोई मिसलिनियस चीज़ तो नहीं मंगा दी है ना, ऐसे ही है ना। हेलो कर दो भैया, एटीट्यूड दिखा दे भैया। कोई बात नहीं, चलते हैं अभी, फिर बताएंगे आपको। गाइस, अभी हम अपनी क्लासेस से आ रहे थे, ये हमने देखा यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। ये काठी है ना, इसके जस्ट सामने ये देख लो आप, डोमिनोज वगैरह के स्टॉल लग रहे हैं, पता ऐसे चलता रहता है थोड़ा सा। बाकी सही है, अपना चले रूम में, काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, उसके बाद आपको अपडेट देंगे जैसे भी होगा। मेरी आवाज़ कम आ रही हो तो एडजस्ट कर लेना, बाकी मिलते हैं बाद में। गाइस, अभी लगभग 2:30 बज रहे हैं, हमने लंच करानी, हम नहाने गए हुए थे। नहीं, ऐसे नहीं है कि नहाने गए थे इसलिए लंच नहीं करा, मैं लंच करना ही नहीं था। इस बंदे को एक्चुअली बाहर के खाने की क्रेविंग हो रही थी। कोई बात नहीं भाई, झूठ मत बोल। अबे पूरी बात तो सुन ले, फिर हमने तीनों की सहमति से मंगाया है। इसे खाना था, अबे चल, इसे खाना था भाई, ठीक है, और फोर्स उसने किया। अब पैसे हम देंगे, मतलब खाना तुझे ही था ना। कोई बात नहीं, देखो तो देखो, ये बंदा तो खाना खाया है, अमृतसरी छोले बने हुए थे, पर ऐसा ये बंदा कह रहा था कि शाम को वैसे समोसे भी है, लेकिन इस बंदे को खाना था बाहर का। कोई बात नहीं, बाहर का खा लेना चाहिए कभी कभार। तो आज हमने चिकन रोल है, चिकन रोल मंगवाया, इसने दूसरा वाला मंगवाया है। अभी ऑर्डर कर दिया, वैसे हमारी क्लासेस क्लास में जाएंगे, वो जब आएगा जब आ जाएगा भैया खा लेंगे बाद थोड़ी देर। ऐसे कैसे खा लेगा? सही बात, गुस्सा आ जाता है ना गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आप कहाँ से? कहीं से भी छोड़ो, इंडिया इंडिया फीलिंग पर। अच्छा छोड़,
चलो भाई क्लास चलते हैं। कोई बात नहीं, लेट्स गो। गाइस एक्चुअली हम तो क्लास के लिए आए थे, पर अब हमें ऑर्डर लेने खाना लेने गेट पे जाना पड़ रहा है। बाकी देख लो आप, हर जगह फूल ही फूल है, बढ़िया। तो अभी चलते हैं गेट पे, खाने पीने का सामान ले लेते हैं अपना, फिर क्लास में जाएंगे। और खाएंगे कब? खा लेंगे कभी ना कभी, जब टाइम मिल जाएगा। ओके चलो बताते हैं। गाइस इसने मंगा लिया इसे खाने के, इसे खाना था एक्चुअल। फेंक दियो, अपने पैसे दे दिए लेकिन पहले। फिर फेंक दियो हैं? नहीं मैं तो खाऊंगा ना मक्के जाके, मेरा थोड़ी पता है। चलो दिखाना, ये सही पैकेजिंग सही है ना? और ऑर्डर देख लो आप, नहीं नंबर वंबर देख लेंगे, चल फिर कॉल मिलाते रहेंगे आपको। आपके नंबर से है इसके नंबर से? फिर ठीक है, ऐसे मिलाते रहना, हम तो क्लास चलते हैं भैया। नंबर वंबर कुछ नहीं है, फिर भी नहीं दिखाएंगे। गाइस हम तो यहाँ पे रोल खा रहे हैं, देख लो ये बंदा भी खा रहा है, ये भी सही है, टेस्टी है। ये पीछे साउंड इफेक्ट क्यों आ रहा है? कोई नहीं, हम तो खा लेते हैं, भूख लग रही है काफ़ी ज़्यादा। बाकी इन्होंने काफ़ी गंदगी मचा दी है, साफ़ कर देना आप, ठीक है अपनी ज़िंदगी की। कोई बात नहीं, खाते हैं फिर बताते हैं हमको। गाइस अभी लगभग शाम के 5 बज रहे हैं, हम स्नैक्स करने गए नहीं क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी, समोसे खाने का मन कर नहीं रहा था क्योंकि हमने रोल खाए थे लगभग 3:30 बजे के आसपास। तो अब हम थोड़ी देर सोएंगे क्योंकि नींद आ रही है, सुबह 8:30 बजे लैब थी तो हम थोड़ा अर्ली उठ गए थे। और बाकी इनके ऊपर भूत चढ़ते रहते, मैंने आपको बताया था, अभी चढ़ गया है, मैं उतार दूंगा थोड़ी देर में। ये आप सीधे किस साइड से? कोई बात नहीं। और ये बंदा देखो, आज ये पहली बार आपको फ्री दिख रहा होगा, इनका एक्चुअली यूपीएससी का इंटरव्यू क्लियर हो गया है। डीएम पहली बार नहाया है, ये भी कह सकते हैं। ये बंदा वैसे भी नहाया है। मिलते हैं आपको शाम को, अपडेट देता हूँ जैसे भी होगा, जब तक के लिए बाय बाय। गाइस अभी लगभग रात के 9 बज रहे हैं, जा रहे हैं डिनर करने के लिए। लिफ्ट बुला ली है, कहाँ बुलाई है? बुला ली अब, ये ऐसे अच्छे लोग होते हैं फिर लिफ्ट की क्या ज़रूरत है, डाउनफॉल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता। चलो भाई लिफ्ट आ गई है। गाइस डिनर का अपडेट कुछ ऐसा है, देखो ये पनीर की सब्जी है, ये चावल है, ये मेथी आलू है, ये खीर है, और ये रोटी है, और ये चांद सा मुखड़ा। मैंने कहा ये जो मुखड़ा है ये चांद का टुकड़ा है क्या? नहीं है ना, खाओ फिर। ये सैलेड भी होता है लेकिन मतलब ठीक है, दाल भी थी लेकिन दाल हमने खाई नहीं। मैंने कहा जब पनीर हो तो दाल कोई खाता है क्या? खाओ, अच्छी बात है भाई, खाओ। अभी आज वैसे मूवी नाइट भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अगर दिखा पाया तो, वरना समझ जाना नहीं गया मैं। इतना तो कॉमन था, जो मैं शांत रहे मतलब खाना खा लेते हैं उसके बाद बताएंगे आपको। गाइज अभी लगभग रात के 9:30 हो रहे हैं, उससे ज़्यादा हो रहे हैं, खाना हमने खा लिया, हम वॉक पे हैं हम वॉक कर रहे हैं। ये पाथवे मैंने आपको दिखा रखा है LRC के सामने वाला, LRC में बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, ऑफकोर्स हम भी करते हैं लेकिन हम रूम पे करते हैं कभी कभार रूम पे करते हैं पढ़ाई। LRC में भी कर लेते हैं, वो हमारे मूड के ऊपर है। और बाकी ऐसा सीन है, देखो आज एनब्लॉक में मूवी लगी हुई है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे मूवीज़ वगैरह चलती है। बच्चा पूछा था मूवी नाइट दिखा दो, तुमने बोला मैंने दिखाऊँ, हो सकता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब भाई ऐसी बात नहीं है, जितना हो सकता है मैं ट्राई कर लेता हूँ। बाकी देखो ना दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है तो निकल जाता है कुछ ना कुछ करते करते, सही बात है कि नहीं? और कुछ अपनी हमारी पर्सनल लाइफ भी होती है तो सही है। प्रतीक आपको कुछ कहना तो नहीं है? है कोई नहीं, चलो भाई मूवी देखने चलो। चोर ना करे ज्यादा। गए थे मूवी देखने तो गए थे एक्चुअली, पर वो उसमें कोई बैठा नहीं हुआ था हॉल में, तो मुझके आ गए दूसरे वाले हॉल में बैठे हुए थे तो फिर हम गए नहीं क्योंकि आज मूवीज कोई मतलब अच्छी हैं पर वही हमारे देखने का मन नहीं कर रहा। थोड़ा सच बोल देता हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, देखो इंग्लिश में चला रही थी, हम थोड़े से डब्ड देखते हैं, मतलब मैं देखता हूँ। वैसे ऐसी बात नहीं है कि मुझे इंग्लिश मूवी समझ नहीं आती, बस मैं अपनी मातृभाषा को प्रमोट करता हूँ इसलिए थोड़ा थोड़ा तो चलता है ना। बाकी देखो मूवी समझ आनी चाहिए, लैंग्वेज कभी भी एक बैरियर नहीं बनना चाहिए, सही बात है कि नहीं? सही बात है, मैं वही कह रहा था, चुपचाप चलो। मतलब अभी हम थोड़ी देर घूम लेते हैं, इससे वैसे तो मूवी वगैरह था हम फोन पे भी देख। कभी क्रिकेट मैच ग्राउंड में देखा है? क्योंकि ग्राउंड में होता है। अच्छा पॉइंट, मतलब क्रिकेट मैच मैंने वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स में एक लाइन होती है कि क्रिकेट मैच अगर लाइव ग्राउंड में देखते हैं ना तो उसका फील अलग ही होता है। ओके प्रतीक चले घूमने, चल मैच के लिए हमारा भी इतना बजट है नहीं। विराट कोहली से बोल के टिकट मंगवा लूँ? ओवर हो रहा है इसमें लग रहा है, चुपचाप घूम लेते हैं।
बेस्ट रहेगा वही मुझे लग रहा है। गाइज मैंने आपको दिन में स्टॉल्स दिखाए थे ना, वो देखो यहाँ पे लगे हुए हैं। पता नहीं आज कोई इवेंट था शायद कॉलेज में, नहीं पक्का है इवेंट था तो ये उसके लिए स्टॉल्स वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पे ना। प्रतीक ऐसे क्यों, आज कोई हैकाथॉन से रिलेटेड भी था ना? लॉ का इवेंट था नहीं, पर वो हमारे तो अच्छा कैबिनेट के बच्चे तो हर इवेंट में इन्वॉल्व रहते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीम्स। तो बाकी यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए थे, हम पता नहीं इवेंट्स में पहुँच नहीं पाते, ऐसा क्यों? सीनियर होंगे जब जाएंगे। अरे जूनियर होकर हम थोड़ा सा अपमान नहीं करना चाहते ना अपना। कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझे खांसी भी आ गई, काठी के आसपास खाने की स्मेल बहुत अच्छी आती है। ये प्रमोट करते रहते हैं अपना खाना कि आप यहाँ से निकलो, आपको खाने का मन करे आप खाना खा लो, सही है कि नहीं? स्ट्रैटेजी अच्छी मेरी आज, चलते हैं भाई बताएंगे बाद। गाइस मैं जो आपको बोल रहा था वो ये है, देख लो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो हमें अभी पता चला, ऐसा इस बंदे ने हमें बताया कि बोर्ड लग रहा है। यार मैं इसकी बात कर रहा था हैकाथॉन से रिलेटेड, एक ये लगा हुआ है ना क्योंकि एक हमारे वो क्लास का बच्चा है वो उसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें है देख लेना आप, ये ऐसा कुछ है। बाकी ऐसा भी कुछ है पीछे एक और बोर्ड लग रहा है, ये आपको पता है इसके बारे में? अरे हमारे वो है ना, अरे वो कैबिनेट में है ना। ये क्या लगा हुआ है? पोस्टर। ओह कितना दिमाग है आप में, अपने तक ही रखना उसे। गाइस ये गर्ल्स हॉस्टल है ना, ये D4 D6 और D5 के नीचे, ये यहाँ पे एक आइसक्रीम के लिए, अबे रुक जा दो मिनट, यहाँ पे आइसक्रीम के लिए ऐसे यहाँ पे आइसक्रीम मिल जाती है। मेन्यू दिखा दूँ एक सेकंड, दो मिनट रुक जाओ, मेन्यू दिखा देता हूँ। ये देख लो आप, ऐसे देख लेना, ऐसे कुछ कुछ है, और ये यहाँ पे आइसक्रीम्स वगैरह मिलती हैं। ये बंदा खाता रहता है हमारे साथ में जो लाल टी शर्ट में घूम रहा है ना। बाकी ये ग्राउंड के सामने है यहाँ पे, हाँ बाकी ठीक है। आइसक्रीम्स वैसे वहाँ पे ही मिलती है हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर में, लेकिन यहाँ पे भी, तो यहाँ से मन करे खा लेना, आपकी मर्जी है। गाइज अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और बाकी हम खाना वाना खा के तो आ गए थे। बाकी आपको मैं अपने रूममेट से मिलवा देता हूँ, मतलब मिलवा के देता हूँ, डेली आप मिलते ही हो गए। बाकी ये देखो ये पूरे दिन पढ़, आप भी अब इस वाली कंडीशन में आ गए, इस वाली कंडीशन में आ गए हो। ये देखो इसे बहुत ठंड लग रही है बेचारे के हाथ पे, हाथ पैर कांप रहे हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। सुबह देखने वालों के लिए गुड मॉर्निंग, शाम को देखने वालों के लिए गुड इवनिंग, और रात को देखने वालों के लिए गुड नाइट। बाय बाय, ऐसे ड्रीम्स मिलते हैं अगले व्लॉग में।